थाना नौचंदी क्षेत्र के गढ़रोड पर ई रिक्शा से जा रहे महिला से बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्स लूट लिया। महिला के शोर मचाने के बाद पब्लिक ने पर्स लूटकर भाग रहे लुटेरे को दबोच लिया। लुटेरे की पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। दरअसल सम्राट हेवेंस निवासी अंशु अपनी सास के साथ सदर बाजार से शॉपिंग करके ई रिक्शा से वापस अपने घर आ रही थी, तभी होटल राजभोग के सामने बाइक सवार बदमाश ने महिला के हाथ से पर्स छीन लिया और भागने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर लुटेरा हड़बड़ाकर एक बंद गली में घुस गया, जहां उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। लुटेरे के पास से महिला का पर्स बरामद कर लिया गया है, जिसके अंदर 20,000 रुपए, एटीएम व आईफोन रखा हुआ था। वहीं लूट होने पर महिला काफी घबरा गई थी। किसी तरह से अपने परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी तो मौके पर परिजन भी पहुंच गए। पकड़े गए लुटेरे अपने आप को भटीपुरा निवासी बता रहा है। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ से वो लेडीज जा रही थी, पर उसमें से बैठ के क्या ना रिक्शा में जा रही थी, ई रिक्शा में, और यहाँ से जो है फिर वो फोन पे बात कर रही थी। उसका पर्स एक हाथ में था, उसके पर्स सीना हाथ से लड़के ने सामने गली में को भगा। जैसे उसने देखा बंदा तो इधर से घूम कर फिर वापसी आ गया, यहाँ पकड़ लिया लोग बाबा ने, और चोरी करके भग रहा था। लाल अपाची थी लौंडे पर, नाम अपना शलभ गुप्ता, वो ऋषभ काजल बता रहा था। कितने लोग थे जब लूट करी थी बाइक पर? कितने सवार थे? बाइक पर एक ही जना था। एक ही जना था। अब जैसे पुलिस आई है, क्या कार्रवाई, क्या हुआ? पुलिस अब ले गई है, मैडम तहरीर देने के लिए मना कर रही थी डर के मारे। अब देखो मैडम देगी तहरीर उसकी। कुछ जानकारी, कितने पर्स में कितना कैश, क्या क्या था? 20,000 रुपये कैश थे, पूरे एप्पल का फोन और एप्पल का मोबाइल था। वो एप्पल की स्क्रीन टूट गई फोन गिरने से। अब आरोपी को पकड़ा गया? वो हाँ आरोपी पकड़ा गया।